हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर जो है वो हम लोग कवर करते हैं, जो कि डेली सुबह 5 बजे जो है वो ई पेपर के तौर पर आते हैं। मैं डेली सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, इसके अलावा जो अपने इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, PIB, PRS, यहां से सब जगह से जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है ना, जो आपके नॉलेज के लिए या फिर आपके एग्जाम के लिए जरूरी होती है, वो मैं आप लोगों के लिए यहां पे कवर करता हूं। इंडिया का अगर आप कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हो, अगर आप CUET से लेकर अगर आप UPSC तक कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो इसके बाहर आपको करंट अफेयर देखने को नहीं मिलेगा। आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट जो कि कर सकते हैं, बस आपको एक काम ये करना है कि आपको रेगुलर रहना है ना। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि हमारे जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो उसकी सक्सेस को डिफाइन करता है। चलिए आगे बात करते हैं। और आज है मंडे, तो हम लोग 9th और 10th ऑफ अप्रैल दो दिन का न्यूज़पेपर है जो कि कवर करेंगे, क्योंकि संडे को हमारी क्लास होती नहीं है, तो संडे और मंडे दो दिन का है हम लोग सेशन कवर करते हैं। तो 6 आर्टिकल दो दिन के आपको द हिंदू में से मिलेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में से आपको 3 आर्टिकल मिलेंगे। एक्चुअली 2:1 है, एक इंडियन एक्सप्रेस में, दो इंडियन एक्सप्रेस में थे, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में था, मैंने वहां पे गलती से 3 लिख दिया। इसके अलावा PIB, PRS, बाकी सारे पोर्टल से भी 3 आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो नियर बाय 12 से 13 आर्टिकल है जो कि टोटल हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी यह है कि आज से सुबह 9 बजे से लर्न विद भुवनेश सर, ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, यहां पे हिस्ट्री की जो है मैं आज फर्स्ट क्लास है जो कि लेने वाला हूं। तो 4 साल बाद में YouTube पे मैं वापस से GK मैंने आपको पढ़ाने के लिए बोला था, तो ये क्लास सुबह 9 बजे है जो कि होने वाली है अभी ये क्लास के जस्ट बाद में। लिंक आपको मैंने कमेंट में भी दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहली क्लास है और देखेंगे हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी, हिस्ट्री से जस्ट पहले क्या होता है। आज पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है आज, है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, एग्जाम में सवाल भी आते हैं यहाँ से, प्री हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो देखिएगा जरूर, आपको अलग ही लेवल पर मजा आने वाला है। चलो, उसके अलावा क्लास 24 के ऊपर सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप GRF अड्डा एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है जो कि है एटीट्यूड को लेकर। देखो, जिंदगी के अंदर कुछ भी चल रहा हो लेकिन एटीट्यूड हमेशा सुप्रीम होना चाहिए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, ऐसा फील कर रहे होते हैं क्यों ही कर रहे हैं ये सब, क्या कर रहे हैं ये सब, होता होगा ना कई दिन कि यार क्या चल रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे दिन है जो कि आते हैं जब आपको ऐसा फील होता है, इट्स कम्प्लीटली ओके, ये सबके साथ में होता है ना। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर कुछ दिनों के लिए है तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में एटीट्यूड जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा इस चीज को लेके होना चाहिए कि ठीक है ये दिन है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, कल से जो है नई शुरुआत करूंगा, कल से जो है वो वापस से जो है बैकअप करूंगा, है ना। तो एटीट्यूड एक बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि क्रिएट करती है, और ये एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से लायन जो है ना वो जंगल का राजा है जो कि बनता है, अदरवाइज उसके पास कुछ भी नहीं होता। टाइगर, लायन, ये आप देख रहे हो, ये सब ऐसी प्रजातियां हैं जिनके पास ना बहुत ज्यादा स्पीड है, ना सब ज्यादा क्लेवर होते हैं, ना बहुत बिग होते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड होता है राज करने वाला, इस वजह से वो कर भी पाते हैं। तो अपनी जिंदगी में भी थोड़ा एटीट्यूड इसी तरीके से रखो कि कोई बात नहीं, आज जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, लेकिन आप एक दिन करके चले जाओगे जो आपको जिंदगी में करना है, ठीक है। ये एटीट्यूड रखोगे तो 100% कर लोगे यार, ऐसा क्या है दुनिया में जो नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, बस बात है टाइम की, पेशेंस की और मेहनत करने की, है ना। और ये सब तीनों चीजें आप अपना लोगे, मुझे मालूम है वक्त के साथ में। चलो आगे बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं कल के न्यूज़पेपर पे। कल थी 9th ऑफ अप्रैल, तो कल के इंडियन द हिंदू के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पे NCERT के बारे में बताया गया है। NCERT के अंदर आपको मालूम ही है 6th से लेकर जो 12th तक की NCERT की सोशल साइंस की बुक है ना, मेजरली हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये सब किताबों के अंदर चेंजेस है जो कि करे गए हैं, और NCERT के द्वारा बताया भी नहीं गया। कोविड के टाइम के बाद में सिलेबस को कट करने के लिए बोला गया था तो उसमें कट किए गए, तो कई सारी चीजें जो है वो चले गई, जैसे कि वृद्धप के अंदर जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, उसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से जो डेथ होती है, क्लास बेस्ड किलिंग जो पुलिस के द्वारा करी गई है ना, ये सब 11वीं की सोशियोलॉजी की टेक्स्ट बुक में से हटा दिए गए हैं। ओके, तो ये सब सोशल इश्यूज थे जिनके बारे में NCERT में चर्चा करी गई थी, तो ये सब अभी यहाँ पे हटाएं, तो उसके बारे में द हिंदू ने जो है वो अच्छे से बताया। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों के अंदर NCERT के द्वारा जो चेंजेस करे गए हैं, जो कि
बच्चों को बहुत सारी चीजें अलग अलग इंडिया के प्रोस्पेक्टिव बताती है, उनके बारे में जो चेंजेस करे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी है, जो कि कई दिनों से दे रहे हैं। यहां पे बात कर रहे हैं केसीआर के एब्सेंट को लेकर, नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो अपोजिशन पार्टीज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, वो है कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 16th फाइनेंस कमीशन को लेकर, नवंबर के अंदर जो है ये बनने वाला है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर ने 3 लिग्नाइट के ब्लॉक से तमिलनाडु में वो रिमूव कर दिए, वो बताया गया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिविस्ट है और यहाँ पे राहुल गांधी अडानी इश्यू, उसके बारे में बताया। तो फ्रंट पेज पे कल के न्यूज़पेपर की बात करें, ओके, तो ये 16th फाइनेंस कमीशन को लेकर, ये पार्ले जी वाला बच्चा जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ है, मुझे लगता है ये जो गर्ल है वैसे तो खैर ये, और मेरे ख्याल से इनकी उम्र होगी क्योंकि 70-80, अब मतलब इनके तो 2-3 पीढ़ियां जो है अभी इस फोटो के अंदर आनी चाहिए, अभी तक ये वाली बच्ची है, ठीक है। पार्ले जी का सब कुछ वो बदल गया है, लेकिन आप देख रहे हो कि शायद ये तो कोई नए तरीके के बिस्किट होंगे, वरना पुराने वाले तो वो येल्लो वाले उसमें आते थे पैकेट के अंदर। बहुत सही है यार, आज भी बहुत सही लगता है दूध के साथ में, चाय के साथ में। चलो तो 16th फाइनेंस पैनल के बारे में बात करते हैं। देखो आप सभी को मालूम होगा कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है ना, संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत जो है हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन करना पड़ता है, ताकि हमारे देश के अंदर फाइनेंस कमीशन क्या करता है, डिसाइड करता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रही है उसका कितना शेयर स्टेट के पास में जाना चाहिए, पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा ये कि कई सारे राज्यों को ग्रांट चाहिए होते हैं, स्पेशल ग्रांट है ना, ग्रांट इन एड उसको कहते हैं, है ना, आर्थिक सहायता चाहिए होती है, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो अवेलेबल करवाते हैं जो पिछड़े हुए राज्य होते हैं, ये कितना पैसा होगा, किसको दिया जाएगा, ये भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें बताता है स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम और ये आपके पंचायत राज के अंदर कैसे टैक्सेस के कलेक्शन को आगे बढ़ाना है। ये 3 इंपॉर्टेंट काम है जो कि फाइनेंस कमीशन के होते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने दोस्तों कोविड के टाइम पे जो है ना वो फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था, तो 20 और 21 को यानी कि 5 साल को 6 साल कर दिया था, 1 साल उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब क्या है कि 22 से लेकर फिर 21 से लेकर 25 तक है, जो कि अगले वाले 5 साल बनाए गए 25-26 तक। तो अब अगले वाले जो फाइनेंस कमीशन का जो ड्यूरेशन स्टार्ट होगा वो 2026 से 2027 से जो है ये स्टार्ट होने वाला है पीरियड, ओके, यहां तक का जो है वो अपना 21-22 वाला है जो कि चलने वाला है, क्योंकि 20-21 को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये 16th फाइनेंस कमीशन है जो कि बनेगा अभी और नवंबर तक कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोला गया। एक्चुअली काफी साल चाहिए होते हैं अगर अगले वाले फाइनेंस कमीशन को फॉर्मेशन करने के लिए वो काम करता है, वो अपनी रिपोर्टिंग करता है, उसके बाद जाके वो 26-27 में बताएगा कि क्या चीजें हैं जो कि देश के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, समझ गए। चलिए तो अभी जो अभी फिलहाल जो है जो 15th फाइनेंस कमीशन, इसके हेड कौन है, एनके सिंह। तो एनके सिंह को जो है 1 साल का एक्सटेंडेड मैंडेट है जो कि दिया गया था, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो लास्ट कमीशन का जो फॉर्मेशन है 2017 के अंदर करवाया गया था, और उसके बाद में ऐसा पहले भी हो चुका है कि किसी ने किसी फाइनेंस कमीशन को एक्सटेंशन मिल चुका है। ऐसा पहले कब हुआ था, 1989 के आसपास है जो कि हुआ था, काफी पहले हुआ था। हाँ ये देखिए 87 के अंदर जो 9th फाइनेंस कमीशन था ना, उसका भी 6 साल का मैंडेट है जो कि हुआ था। नॉर्मली 5 साल का होता है इनका, लेकिन 87 के टाइम पे भी 6 साल का जो है वो हुआ था, ओके। 10th फाइनेंस कमीशन जो है वो 1992 के अंदर है जो जिसका फॉर्मेशन किया गया। अब आप देखिए 14th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था कि जो टैक्सेस का शेयर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना, ठीक है, वो ये सब वेटेज है जो कि दिया था, किस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, किस पैरामीटर के हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो उन्होंने क्या दिया था, 50% तो इनकम का डिस्टेंस कितना है उस चीज को सेंटर और स्टेट के अंदर रेवेन्यू शेयरिंग का पैरामीटर माना, फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को माना, एरिया को माना, पॉपुलेशन को माना, ये 14th फाइनेंस कमीशन का था। वैसे ही जो 15th फाइनेंस कमीशन जो प्रेजेंट में चल रहा है उसने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को माना, इनकम डिस्टेंस को 45, इकोलॉजी 10%, एरिया 15, पॉपुलेशन 15, ये सारे पैरामीटर है जो कि प्रेजेंट में ये देखने के बाद में डिसाइड किया गया कि कितना परसेंटेज जो है वो शेयर किया जाएगा। तो राइट नाउ जो है पहले 42% टैक्सेस का शेयर हुआ करता था, जिसको 15th फाइनेंस कमीशन में 41 है जो कि कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जो है वो पूल है जो कि स्टेट का इंक्रीज हुआ, उसके बाद में अभी 41% 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है वो बताया गया था। ये परसेंटेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे 50 था, अब इसको 45 किया गया, है ना, इनकम डिस्टेंस को। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है जो कि पॉपुलेशन और एरिया जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से टैक्सेस का शेयरिंग है जो कि होता है। आप ध्यान रखिए आर्टिकल 280 जो है
वो हमारे पार्ट 12 के अंदर है, जो कि मेंशन है जहां पे फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें टोटल जो है वो 5 मेंबर होते हैं, एक तो चेयरपर्सन होते हैं और 4 मेंबर और होते हैं। इसके अंदर एक हाईकोर्ट जज भी होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट डिसाइड करती है। टेन्योर जो है वो कोई स्पेसिफिक 5 साल का होता है वैसे तो, लेकिन वो री एलिजिबल है, जो कि होते हैं वापस से बन सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन है जो कि देते हैं कि कितना टैक्सेस का शेयर होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ग्रैंड इन एड, ये देखिए, ये पैसा जो है वो स्पेशली राज्यों को मिलता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कैसे बढ़ाया जाए, स्टेट के पैसे को, म्यूनसिपैलिटी को, बाकी सबको, है ना, स्टेट के मैटर में टैक्सेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये कभी भी जो भी बोलता है अपनी रिपोर्ट के अंदर वो मैंडेटरी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, ओके, ये बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बार केसी नायोगी थे 1957 से 52 से लेकर 57 के बीच में पहला फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, फिर 57 से लेकर 62 के तक हुआ, उस टाइम पे संथानम जी थे जो कि फाइनेंस कमीशन के हेड थे, और अभी करंट के अंदर 21 से 26 तक जो है वो एनके सिंह है। इसी प्रकार से हर एक स्टेट का भी स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है ना, जो कि ये डिसाइड करता है कि स्टेट और म्यूनसिपैलिटीज पंचायत के बीच में कितना टैक्सेस का शेयरिंग होगा, समझ गए। सेंटर स्टेट के साथ में शेयर करता है, स्टेट आपके म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के साथ में शेयर करती है। तो यहां पे तो आएगा आपका फाइनेंस कमीशन और यहां पे आ जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, आर्टिकल 243 के अंदर है जो कि ये मेंशन है, और हर 5 साल में के लिए ये बॉडी बनाई जाती है, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाहर आपको कोई भी सवाल आर्टिकल 280 से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा। ऑलराइट, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। अभी बहुत सारे बच्चे सो रहे होंगे, और 9 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आज फर्स्ट क्लास है जो कि हिस्ट्री की करने वाले हैं। हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है जो कि लर्न विद भुवनेश्वर वाले चैनल पे होने वाली है, और ऐसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कभी आपने कितने भी पैसे दे के नहीं पढ़ी होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो ज्वाइन कर लेना, आपका जीके का जो है प्यार हो जाएगा आपको जीके से, मैं पहले भी बताया था मैंने आपको। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो तो यहाँ पे जो ये डांस हो रहा है स्ट्रीट के ऊपर, ये कर्नाटका के अंदर अगले महीने इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको लेकर हो रहा है यहाँ पे कैंपेनिंग, और साथ में इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मोटिवेट करता है लोगों को अलग अलग तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को लेकर, वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो पहली बार है ना, जो अपने स्ट्रीट के ऊपर जो बच्चे रहते हैं उनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़े, जो उनका टैलेंट है वो सामने आए, इसलिए स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो कि पहली बार करवाया गया था 2019 के अंदर, और ये करवाया गया था लंदन के अंदर लॉर्ड्स पे, जहाँ पे हमारी 2-3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसके अंदर जो है हमारी जो इंडिया की साउथ की जो टीम थी स्ट्रीट के वाले बच्चों की, उन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया था, ये पहली बार था। सेकेंड टाइम जो है इस बार कहाँ पे, चेन्नई के अंदर है जो कि इसको आयोजित करवाया जा रहा है, सेकेंड टाइम चेन्नई के अंदर होने वाला है 2023, अभी इसी साल है जो कि इसको आयोजित करवाया जाएगा। इसको स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, और साथ में श्री दया फाउंडेशन, ये मिलकर है जो कि इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है, सेप्टेम्बर के अंदर जो कि इसको करवाया जाएगा। सेकेंड है T20 स्टाइल के अंदर करवाया जाएगा। 168 स्ट्रीट चाइल्ड दुनिया के 15 कंट्रीज से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसके अंदर दुनिया के ब्राजील, बांग्लादेश, ब्रुनेई, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, कई सारे, युगांडा, तंजानिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, कई सारे देशों के लोग हैं, है ना। साथ इंडिया की जो टीम है वो भी रिप्रेजेंट करेगी कंट्री के अलग अलग जोन से, और पिछली बार जो इसको जीता गया था वो हमारी जो इंडिया की साउथ की टीम थी उसके द्वारा लास्ट ईयर इसको जीता गया 2019 के अंदर, ठीक है गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। चलिए आगे, कल के इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सुप्रीम कमांडर कौन है, हमारी प्रेसिडेंट है जो कि तीनों फोर्सेस की हेड होती है, तो उन्होंने कल सुखोई के अंदर जो है वो किया, फ्लाई किया, और थर्ड प्रेसिडेंट बनी, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी जिन्होंने सुखोई के अंदर ट्रैवल किया। 30 मिनट की राइड थी, बहुत ही अमेजिंग, 800 किलोमीटर पर आवर। चलिए यहाँ पे और फ्रंट पेज पे बात करें तो कुछ भी ऐसा खास है जो कि नहीं है। 1000 आर्टिस्ट है जो कि एक वेन्यू के ऊपर आसाम में वर्ल्ड का रिकॉर्ड है जो कि बिहू का परफॉर्मेंस का करने वाले हैं गुवाहाटी के अंदर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंट्री का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस।
अब आप बोलोगे सर ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कैसे बन सकता है, बैंगलोर के अंदर बन रहा है। चलो आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी या फ्यूचर में जो आपके घर बनने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि आप पहले है ना अपने लैपटॉप के अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर जो है पूरी प्लानिंग कर लो, पूरा मैप बना लो कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनाना होता है। उसके बाद एक बाहर मशीन होती है ओके, जो क्या करती है एक उसकी एक निडल होती है, जैसा आपने मैप बनाया ना उसी तरीके से सेम टू सेम वो क्या करती है उस मैप को फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करती है। मैप के वो मशीन निडल से क्या करती है कोई भी मटेरियल जो होता है ना, जैसे कि राइसिन ले सकते हो, प्लांट के राइसिन होते हैं, वुड के भी पार्ट होते हैं, थोड़ा प्लास्टिक होता है जो वेस्ट प्लास्टिक होता है वो भी यूज कर लेते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है वो धीरे 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 करते करते पूरा का पूरा वैसी इमेज है जो कि बना देती है जैसे कि आपने लैपटॉप में बना रखी है फिजिकल वर्ल्ड में, उसको 3D प्रिंटिंग है जो कि कहते हैं, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने चेस बोर्ड बना रखा है, आपने क्वीन बना रखी है ना अपने लैपटॉप में, तो क्वीन वैसी की वैसी जो है ना वो बन के बाहर आ जाएगी आपको वैसी की वैसी। तो बिल्कुल वैसा का वैसा डिजाइन है जो कि ऑटोमेटिकली वो मशीन है जो कि करती रहेगी, उसको 3D प्रिंटिंग है जो कि कहते हैं, समझ गए। अब उसी 3D प्रिंटिंग से हमने एक पोस्ट ऑफिस है जो कि फिजिकल बनाया है, क्योंकि अभी तो मैंने छोटे लेवल पे मशीन बताई, अगर इस मशीन को ही मैं बड़े लेवल पे कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली जो है कोई लेबर वेबर की जरूरत नहीं पड़ती, लेबर तो बहुत ही मिनिमम जरूरत पड़ती है इसमें, और घर है जो कि बन जाते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर। दुनिया में घर है जो कि आज के टाइम पे 3D प्रिंटिंग से बनने लग गए हैं, मशीन काम करती है, मटेरियल डालो, मशीन अपने आप जो है वो घर का मैन्युफैक्चर कर देती है। तो बैंगलोर के अंदर कंट्री का फर्स्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो है वो पोस्ट ऑफिस है जो कि बन रहा है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है L&T कंपनी के द्वारा है ना, और इसकी जो कॉस्ट है नॉर्मली 1000 स्क्वायर फीट की जो बिल्डिंग है ना तो उसमें 20-25 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन इनफैक्ट ज्यादा 30 लाख रुपए के आसपास लगते हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आई है वो मात्र 23 लाख रुपए आई है, यानी कि 30-40% जो कॉस्ट है वो क्या हो गई है कम हो गई है। आने वाले दिनों के अंदर दुनिया में तो बहुत जगह पे घर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर पूरी दुनिया में ये जो है ना 3D प्रिंटिंग वाले हाउसेस के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है, काम हो रहे हैं। अब जो है वो बात हो रही है इंडिया के अंदर भी इसकी शुरुआत है जो कि होने वाली है, और ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के पास खुद के घर नहीं है, जिनके पास में पक्के घर बनाने के पैसे नहीं है, वो 30-40% कम कॉस्ट के अंदर खुद का घर है जो कि बना सकते हैं। स्ट्रीट से हम उनको क्या कर सकते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी है स्ट्रीट है उनसे हम लोग उनको शिफ्ट कर सकते हैं और एक अच्छा हाउसिंग है जो कि दे सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के घर है जो कि बनते हैं, काफी सही लग रहा है ना। ये देखो ये आपको उस तरीके से अंदर से कुछ इस तरीके से नजर आता है, मशीन होती है वो काम करती है कुछ इस तरीके से बनेगा ये इतनी बड़ी मशीन है देख रहे हो। तो यहां से जो है ये इस तरीके से फिलिंग है जो कि करती है, जैसे हमारे एक तरीके से सीमेंट होता है ना सीमेंट की, तो सीमेंट तो हम लोग खुद लगाते हैं चिपकाते हैं, ये मशीन ही पूरा काम करती है, इसके अंदर फिलिंग होती है और ये पूरा का पूरा डिजाइन है जो कि अपने आप बनाती रहती है, कोई मजदूर कोई कुछ किसी भी तरीके से कोई ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। वॉल्स होती है, इंसुलेशन रूफ बनती है, फ्लोर बनते हैं है ना, वुड के फाइबर से बनते हैं, प्लांट के रेसिन से बनते हैं, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉलीमर 3D प्रिंटर है जो कि आज के टाइम पे बन चुके हैं। इसके अंदर अलग अलग तरीके के मटेरियल है जो कि काम में लिए जाते हैं, और धीरे धीरे अब ये जो घर है ना पहले तो उनकी इफिशियंसी के ऊपर सवाल था है ना, अब धीरे धीरे क्या हो ये बहुत इफिशियंट भी बन चुके हैं, जैसे कि हीट रेसिस्टेंस बन चुके हैं है ना, इनके ऊपर गर्मी का फर्क नहीं पड़ता, केमिकली रेजिस्टेंस है, रिजिडिटी बहुत ही मजबूत बन चुके हैं, तो ये सब चीजें भी हो चुकी है। अब चलते हैं आज की तरफ, चलते हैं आज के न्यूज़पेपर में। द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऐसे टेलीकॉम अथॉरिटीज ने जो है वो ब्लॉक कर दिए कई सारे ऐसी आईडी जो कि चाइना से दोस्तों इंप्लीमेंट करी जा रही थी। देखो ये क्या है कि चाइना के ने क्या करा है कि कई सारे ऐसे पोर्टल जो कि लगते हैं सरकारी जैसे उनको हैक किया, उसके बाद में लिंक भेजा, ऐसा मोबाइल फोन पर लिंक आएगा कि आपका इतना अमाउंट ड्यू है क्लिक करो उसके ऊपर अपना बिजली का बिल पे करो, आपको लगता है बिजली का बिल पे कर दोगे और इतने में पैसे गायब। ओके, इस तरीके के कई सारे फेक लिंक है जो कि चाइना से दोस्तों बनाए गए, उन सबको 120 जो ऐसे आईडीज थी उनको ब्लॉक किया गया सरकार के द्वारा, ठीक है गाइस, ये यहां पे बताया गया है। चलिए इसके अंदर वेस्ट बंगाल का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना उसको भी चाइनीज ने हैक करके खुद के लिंक है जो कि भेजने चालू कर दिए थे। सोचिए तो स्कैम बहुत लेवल पे बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत 500,000 रुपए आपके अकाउंट में जो भी है बचा लेना उनको, पता लगा वो भी कोई ले गया। ओके, हर किसी लिंक के ऊपर क्लिक मत किया करो, जो अगर आपको लगे ना कई लोग जो है वो डिस्काउंट वाला भी भेजते हैं, आज 99% डिस्काउंट है, 105% डिस्काउंट है, एक के ऊपर एक फ्री है, क्लिक करो उसके ऊपर शेयर करो 1000 रुपए मिल जाएंगे है ना, इस तरीके के बहुत सारे फेक होते हैं।
चलिए यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाइगर की पॉपुलेशन को लेकर। टाइगर की पॉपुलेशन देश में 3000 से भी ज्यादा है जो कि हो चुकी है। काफी अमेजिंग काम किया हमने टाइगर के ऊपर। यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में एक बच्चे ने सुसाइड किया था, उसको लेकर बताया है, उसके बैचमेट को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई। और यहाँ पे दोस्तों कल मोदी जी जो है आपको चर्च में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल ईस्टर था। ईस्टर क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? ईस्टर के दिन दोस्तों जो जीसस क्राइस्ट थे वो वापस से बॉर्न हुए थे। गुड फ्राइडे के दिन उनकी डेथ हुई थी, 3 दिन बाद वापस से जो है उनका जन्म हुआ था। इसीलिए हम लोग पूरी दुनिया में जो है वो ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये चर्च के अंदर मोदी जी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज गैप को लेकर बोला गया है कि देखो हमारे कंट्री में आज के टाइम पे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, चाइनीज, ये सारी लैंग्वेजेस तो सिखाई जा रही है फॉरेन कंट्रीज की, लेकिन हमारे जो आसपास के जो कंट्री है ना उनकी लैंग्वेजेस नहीं सिखाई जा रही। तो उसका जो गैप है ना ये बहुत बड़ा हो चुका है। ओके, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर। जैसे कि सिंगल लैंग्वेज है, कहाँ की होती है? श्रीलंका की होती है। वैसे बांग्लादेश की लैंग्वेज है, म्यांमार की लैंग्वेज है, इन सबको भी सिखाने को लेकर बोला गया है, कंट्री में स्टार्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे यूपी के अर्बन बॉडी के इलेक्शन है जो कि 4 मई 11 मई को होने वाले हैं, वो बताया गया है। तो ये सारा पूरा फ्रंट पेज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों हमेशा की तरह टाइगर है, ठीक है। और टाइगर दोस्तों बढ़ते ही जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। पूरी दुनिया को भी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि जैसे हम लोग चीता लेके आए ना बाहर से, चीता की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, उसी तरीके से हमने टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी बढ़ा दी है। इनफैक्ट कई सारे टाइगर रिजर्व की तो पॉपुलेशन बढ़ गई है कि अब उनको शिफ्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज वो रोड पे नजर आएंगे आपको, है ना, और जनता फिर तितर बितर होती हुई नजर आएगी, ठीक है। आज के टाइम पे वैसे भी 29% टाइगर जो है वो कोर एरिया के बाहर नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है कि हम पॉपुलेशन बढ़ा तो रहे लेकिन साथ में साइड हमें उनके रिजर्व को भी काम करना चाहिए, कोर के ऊपर भी काम करना चाहिए, सो दैट मैन और एनिमल के जो कंफ्लिक्ट है वो नहीं हो, पॉन्चिंग जो है वो नहीं हो, हंटिंग है जो कि नहीं हो, समझ गए। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि टाइगर बताए हमारे से भी बहुत पहले से हमारी धरती पर रह रहे हैं। 2 मिलियन ईयर से जो है वो टाइगर हमारे धरती पर रह रहे हैं। कभी भी टाइगर को कोई चिंता नहीं हुई, कभी भी इंसान के एग्जिस्टेंस से टाइगर को चिंता नहीं हुई जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी। 1920-30 के बाद में जैसे इंसान ने प्रगति करी वैसे ही टाइगर की पॉपुलेशन खत्म होती चली गई दुनिया में। क्या हमारे देश में 100 साल पहले जो है वो 20-30 हजार टाइगर है जो कि हुआ करते थे, सोचिए, और आज के टाइम पे हम लोग 3000 टाइगर है जो कि हमारे देश में है, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये तो नंबर 1500 तक ही पहुंच गया था जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर काफी प्रेशर आया इन्वायरमेंटलिस्ट का, कंजर्वेशनिस्ट का, एक्टिविस्ट का, इंटरनेशनल प्रेशर आया, तो उन्होंने जो है वो क्या किया था 1973 में 1 अप्रैल के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जिम कॉर्बेट के अंदर टाइगर रिजर्व बनाया और टोटल मिला के 9 टाइगर रिजर्व है जो कि बनाए थे, जो कि आज बढ़ के हमारे देश में 53 है जो कि हो चुके हैं, है ना। तो अब हम जो है प्रोजेक्ट टाइगर के बाद काफी अच्छा कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी काफी अच्छी बढ़ गई है। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इंडोनेशिया, म्यांमार, है ना, मलेशिया, जो बाकी कंट्रीज को भी क्या करें, हम लोग टाइगर एक्सपोर्ट करें। सामान एक्सपोर्ट करते करते अभी हम टाइगर पे भी आ चुके हैं, मतलब अच्छी बात है ना। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों को देंगे, तो फिर वहां पर भी टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। सुनने में खैर मजाक लगता है लेकिन अच्छी बात है, हमें देना चाहिए ताकि बाकी जगह पे भी पॉपुलेशन बढ़ सके। तो आप देखिए 2006 में तो सिर्फ 1400 रह गए थे, 2022 में अभी 3167 है जो कि टोटल हो चुके हैं। ये डाटा जो है ये पीएम के द्वारा रिलीज किया गया। ओके, तो ये रिसेंटली डाटा है जो कि अभी अनवील किया गया 2018 के सेंसस के अंदर जो है 2967 जो है वो टाइगर हमारे देश में देखने को मिले थे, ठीक है। चलो, और अभी इवेंट है जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और साथ में आपको मालूम है 1 अप्रैल को जो है वो 50 साल है जो कि हमारे टाइगर, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है जिसको भी हो गए थे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, इन सबको भी 50 साल है जो कि हो गए थे। वेस्टर्न घाट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन जो हमारे शिवालिक रेंजेस है वहां पे टाइगर जो है दोस्तों थोड़े पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आई है। यहाँ पे देखिए शिवालिक और गंगा वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे टाइगर जो है वो ज्यादा, इनकी फोटोग्राफी करी गई, हजारों कैमरे लगाए जाते हैं 10-15 हजार, और इनकी जो स्ट्रिप्स है ना ये हमारे फिंगरप्रिंट की तरह होती है। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, वैसे टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती है ये भी बहुत यूनिक होती है। इसको कैप्चर करके हम लोग काउंटिंग करते हैं ताकि मल्टीप्लाई काउंटिंग नहीं हो सके। एम स्ट्रिप करके एक हमारी एप्लीकेशन पे है जिसपे पूरा डाटा जो है वो दिया जाता है। वेस्टर्न घाट के अंदर देखिए पॉपुलेशन कम हो गई है, नॉर्थ ईस्ट में कम हो गई है, सेंट्रल और सुंदरबन में पॉपुलेशन है जो कि थोड़ी बड़ी है, ठीक है गाइस, ये वाली कहानी है। अभी हमारे देश में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है, टोटल हमारे लैंड का एरिया का 2.5% है जो कि आपको देखने को मिलता है। उस टाइम पे जो हमारा एरिया था वो 18,000
किलोमीटर स्क्वायर का था, आज 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो कि टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए जो काम कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर में बना रखा है। हम लोग आने वाले दिनों में कंबोडिया और बाकी के साथ में भी जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, ओके, ताकि इनको भी हम लोग देख सके, है ना। कभी भी ये गलत, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, किसी भी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में जाओ तो ये गलत फहमी पाल के मत जाना, ये उम्मीद के तौर पर कि आपको टाइगर दिखेगा ही दिखेगा। कल जो है वो मोदी जी गए हुए थे, मोदी जी को भी नजर नहीं आया, ना तो कोई लेपर्ड नजर आया, ना कोई टाइगर नजर आया, ठीक है। इल्यूट का मतलब होता है छिप जाना, नहीं दिखना। तो मोदी जी जो है वो टोपी ओपी लगा के सफारी पे निकले हुए थे, लेकिन ना तो कोई टाइगर नजर आया, ना कोई लेपर्ड नजर आया, ओके। जो स्पॉट आया वो कई सारे एलिफेंट के ग्रुप नजर आया, डियर, सांभर, ये सब है जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर मोदी जी को नजर आए। तो अब जब पीएम को ही जो है वो टाइगर नजर नहीं आ रहा है, तो क्या उम्मीद करते हो, आपको तो कहां से नजर आएंगे, है ना। तो ठीक है, तो नेशनल पार्क जा रहे हो, टाइगर रिजर्व जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस उम्मीद में हताश या निराश है जो कि मत होना। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर टनल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त काम है जो कि यहाँ पे हो रहा है, और यह है दोस्तों हमारी जोजिला टनल को लेकर है। देखो क्या है कि श्रीनगर से ले, अगर जिंदगी में सच में कभी आपका थोड़ा जैसे कि अभी करियर वरियर नौकरी वोकरी का जगह अगर आपका हो जाए ना, तो एक काम जरूर करिएगा मेरे कहने पर, है ना। चलो एक चीज बताता हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके का मैप है जो कि आपको देखने को मिलेगा जेएनके का। ये श्रीनगर है, यहाँ पे लेह है, और यहाँ पे आपको मनाली है जो कि देखने को मिलेगा। पूरी जिंदगी में एक काम जरूर करना, अगर नौकरी वोकरी लग जाती है, थोड़ा मोटरसाइकिल चलाना आता है, गाड़ी चलानी आती है, एक दिन, एक जिंदगी में अपने 10 दिन निकालना और श्रीनगर से ले और ले से मनाली तक का रूट है जो कि ट्रैवल करना, ओके। हो सकता है आप दिल्ली से भी जा सकते हो, दिल्ली में जाके दिल्ली में वापस स्टॉप भी कर सकते हो, उस तरीके का रूट बना सकते हो। मैंने ये रूट है जो कि 2014-15 के टाइम पे बाइक से जो है वो कवर किया था, मैंने पूरा आपको बता रखा होगा, शायद पूरा हिमालय जो है वो बाइक से कवर कर रखा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं सच बता रहा हूँ कि दुनिया का किसी भी कंट्री में चले जाओगे ना, कितना पैसा लगा के आपको इतनी सुंदरता देखने को नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे मिलेगी। बहुत ही अमेजिंग, अलग अलग कलर के आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, एक रेड मिलेगा, फिर व्हाइट मिलेगा, फिर ब्लैक मिलेगा, फिर ब्लू मिलेगा, एक ही रेंज के अंदर अलग अलग कलर के माउंटेन्स। बहुत ही अमेजिंग रोड है, बहुत ही अच्छा एरिया है, तो ये काम जरूर करना जिंदगी में, ठीक है। चलिए आप चाहो तो गाड़ी से भी कर सकते हो, और ये जो टोटल रास्ता है ना श्रीनगर से ले का, ये कोई 10 घंटे का रास्ता है, ओके, और ये कोई 420 किलोमीटर के आसपास का टोटल रूट है। एक दिन में कवर नहीं होता क्योंकि माउंटेन एरिया है, तो आपको एक दिन का स्टे है जो कि कारगिल या द्रास के अंदर करना पड़ता है, उसके बाद जो है आप आगे अगले दिन के लिए जा सकते हो, है ना। वैसे रात को जो बस चलती है वो तो खैर पूरी रात को ले जाती है चला के, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ आपको नजर नहीं आएगा। अब इसी बीच में जो है ना एक जोजिला पास आता है, जोजिला पास जो है वो जोजिला पास एक ऐसा रास्ता है पहाड़ के ऊपर जो बहुत ही खराब रास्ता है, दुनिया के टॉप 10 सबसे हार्डेस्ट या सबसे टफेस्ट रूट में से माना जाता है। उस पर से गाड़ी और बाइक ले जाने के अंदर हालत खराब हो गई थी, मेरे को मालूम है, ऐसा लगता है कि कभी भी पत्थर जो है वो साइड में से गिर के आपके ऊपर आ सकता है। अभी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है आर्मी ने, है ना, हमारे जो BRO है और ये सब जो है इसके ऊपर काम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो अभी हमने जो है 14 किलोमीटर का एक टनल बना दिया है, जोजिला टनल जिसको हमने नाम दिया, जिससे आपका जो ड्यूरेशन है ना वो जो पास वाला जो ड्यूरेशन था जोजिला पास वाला वो हट जाएगा, और आप जो है ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल है जो कि बनाया गया सोनमर्ग एरिया जो है वहां पर इसको बनाया गया है। 11,000 फीट की हाइट के ऊपर इसको बनाया गया है, दुनिया का एशिया का लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल है, गाड़ियां जा भी सकती है और गाड़ियां आ भी सकती है, समझ गए मेरी बात। ट्रेवल टाइम जो है वो 4 घंटे से कट के पता है कितना हो जाएगा, 40 मिनट का, देख रहे हो। तो क्या होता था पहले, जो जोजिला पास था ना उस पे जाने में जो है वो जान निकल जाती थी, बहुत ही 10-20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जाती थी, है ना। तो अब उसको वो पूरा 4 घंटे का जो टाइम है वो कट डाउन होकर कितना 40 मिनट का है जो कि हो जाएगा। तो काफी अमेजिंग इनिशिएटिव है, इससे हम लोग क्या 2-3 बेनिफिट हो जाएंगे, एक तो टाइम कम हो जाएगा, ऊपर से क्या होता है इस टनल के जो जोजिला पास था ना यहाँ पे बर्फ बहुत गिरती है, तो साल में 4-5 महीने तो वहाँ पे आर्मी जो BRO वाले जो है ये बर्फ हटाते रहते हैं क्योंकि इतनी बर्फ गिरती है कि वो रास्ता जाम हो जाता है। तो उससे भी हमें निजात है जो कि मिल जाएगी, ऑल वेदर रोड है जो कि कनेक्ट हो जाएगी। तो ये बाहर से है, ये देखो ये बाहर वाला एरिया है, वो अंदर वाला एरिया की फोटो दिखाई थी अभी मैंने आपको। 2026 तक दोस्तों इसका कंप्लीट फॉर्मेशन होगा, 14.2 किलोमीटर का है ना, और अभी 6 किलोमीटर का इसमें से काम है जो कि चल रहा है, ठीक है गाइस।
2026 तक ये पूरा काम होगा। ठीक है, चलो ये देखिए, ये अंदर से पिक है, ये बाहर से और ये बीच में से है। ठीक है, तीन तरीके की पिक है। तो यहाँ पे बहुत ही हैवी बार, ये देखो इतनी ज्यादा हैवी स्नोफॉल होती है कि रास्ता रुक जाता है, तो आपको दोनों साइड जो है वो स्नो मिलती है जब आप ड्राइव करते हुए जाते हो। ऐसा ही रास्ता आपको रोहतांग से जब आप ठीक है, परफेक्ट है, आवाज आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देखो, ये पूरा मैप है, ये पूरा रूट है श्रीनगर से, आप इस तरीके से होते हुए, द्रास होते हुए, कारगिल होते हुए आगे जाते हो। इसी के अंदर जो ये बीच वाला रूट है ना, यहां पे दोस्तों ये देखो, पहले रास्ता ऐसे करके हुआ करता था, अभी इसको स्ट्रेट है जो कि कर दिया गया है, ये देखो इस तरीके से स्ट्रेट कर दिया गया है। उसकी वजह से जो ये इस तरीके से कार्विंग था ना, जो जोजिला पास जो था, इसको हमने सीधा कर दिया है, तो उससे हमारा जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे बात करेंगे दोस्तों इंडियन अमेरिकन सीआर राव साहब के बारे में, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैटिस्टिशियन का अवार्ड है जो कि जीता है। देखो कोई नोबल अवार्ड तो होता नहीं है स्टैटिक्स में, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिशियन है जो कि कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिशियन, ये एक तरीके से इक्वलेंट अवार्ड है जो कि नोबल के बराबर है। ये इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है ना सीआर राव, उनको मिला है 2023 का, ये नोबल के बराबर ही है। ओके, तो दो साल में एक बार है जो कि दिया देते हैं ये अवार्ड, और उन लोगों को देते हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिशियन के अंदर मेजर अचीवमेंट जो कि किया है। देखो स्टैट्स के बिना क्या है दुनिया में, आप खुद सोचो ना, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में क्या कर सकती है अगर किसी के पास स्टैट्स ही नहीं होंगे तो। ओके, स्टेट से ही जो है हर काम है जो कि आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ पे दोस्तों पीसी महलोबिस थे जो कि हमारे चीफ स्टैटिशियन थे, बहुत ही जबरदस्त पर्सन थे। सेकंड फाइव ईयर प्लान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था नेहरू जी के टाइम पे, पहली बार जब फाइव ईयर प्लान आया था देश की आजादी के बाद, तो नेहरू जी ने किसानों के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा थे, उनका ध्यान रखना जरूरी था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना था, तो सेकंड फाइव ईयर प्लान के अंदर जो है महलोबिस जी को जो है बुलाया था नेहरू जी ने, मतलब खुद भी बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत ही खतरनाक, और साथ में हमेशा ऐसे लोगों से हेल्प लिया करते थे जो अपनी फील्ड में प्रो होते हैं। तो महलोबिस जी को जो है वो बुलाया गया था कि भाई पहले तो स्टेट्स निकालो, फिर अपन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। उसी टाइम पे आईआईटीज का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हुआ था देश में, उसी टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, कई सारे पीएसयूज जो है हमारे देश में बने, है ना, तो उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल था। तो अब ये 102 साल के हैं, इन्होंने दोस्तों कई सारे ऐसे थ्योरीज करिए, स्टैटिस्टिशियन के ऊपर काम करें जिससे दुनिया में काफी ब्रेक थ्रू मिले, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, साइंस, उन सबको बहुत एडवांटेज मिला है, इसलिए दोस्तों इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, है ना। 75 साल से भी ज्यादा है जो कि इनको हो चुके हैं। 1945 के अंदर इन्होंने पहला पैरामीटर से जो कि पब्लिश किए थे स्टैटिस्टिशियंस के। 48 के अंदर दोस्तों देश की आजादी के पहले से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम पहले से, 102 साल के हो चुके हैं, आप देख सकते हो, है ना। 19 साल के जब थे तो आंध्रा यूनिवर्सिटी के अंदर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी, उसके बाद में कलकत्ता चले गए, कलकत्ता में वहां पे उन्होंने पढ़ाई करी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, और वहां पे 40 साल बिताए। फिर रिटायर होने के बाद में 1979 में यूएस चले गए, यूएस जाने के बाद में उन्होंने वापस से काम स्टार्ट किया। ओके, और अभी जो उनकी थ्योरीज है उसकी वजह से उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसी प्रकार से हमारे जो देश के फेमस है वो महलोबिस है, जो कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान उनके द्वारा प्रपोज किया गया था 56 से 61, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे लेके जाना, और वो हमारा फाइव ईयर प्लान काफी सक्सेसफुल भी हुआ था। उन्हीं के बर्थडे को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को जो है मनाते हैं, है ना। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1932 के अंदर उन्हीं के द्वारा फॉर्मेशन जो कि किया गया। ओके, उसके पहले जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा भी एक बॉडी यहाँ पे काम कर रही थी, चलो ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन मेजरमेंट के ऊपर इन्होंने स्टडी करी, इसके अलावा महलोबिस डिस्टेंस कि कैसे आप स्टेट्स के डिस्टेंस को मेजर करते हो वो भी इन्होंने बताया, सर्वे कैसे करनी है, सैंपल कैसे बनाने हैं, मेथड कौन कौन से है सैंपलिंग के। सिविल इंजीनियरिंग का तो घर का या कोई इंडस्ट्री का तो काम हो ही नहीं सकता जब तक वहां पे सैंपल सर्वे नहीं होगा। ओके, सैंपल सर्वे होता है उसके बाद ही कोई काम है जो कि स्टार्ट होता है, चाहे वो कुछ भी रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो इनके मेथड जो है वो आज भी बहुत काम आते हैं। आईएसआई का कोलकाता में फॉर्मेशन किया, संख्या नाम का जनरल स्टार्ट किया, इंडियन सैंपल सर्वे 1950 में इनके द्वारा बनाया गया, और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इनके द्वारा ही सेटअप है जो कि 1950 में नेहरू जी की रिक्वेस्ट के बाद में बनाया गया। इनको दोस्तों पद्म विभूषण से भी 68 के अंदर सम्मानित है जो कि किया गया।
इंडिया के फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के हेड भी यही थे और पूरी दुनिया भर में कई सारे अवार्ड है जो कि इन्होंने जीते थे। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि पेज नंबर 16, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों स्पोर्ट्स की। और हमारे यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग बैडमिंटन प्लेयर है, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इन्होंने 68 मिनट के अंदर दुनिया के 49 प्लेयर को हरा दिया। कोई प्रियांशु राजावत इनका नाम है। तो प्रियांशु राजावत का बहुत ही इंप्रेसिव विन है जो कि यहाँ पे देखने को मिली वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल के अंदर। जो टूर्नामेंट का नाम था वो था ऑर्लियंस मास्टर्स। ठीक है, 21 साल के सिर्फ, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और जो थॉमस कप जो लास्ट ईयर इंडिया ने जीता था उसके भी टीम के अंदर ये शामिल थे। आगे बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे टाइगर के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, हमारे लिए ये वाली न्यूज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पेपर के लिए मैं तो नहीं आएगी लेकिन जनरली अभी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अमूल दोस्तों, अभी इलेक्शन होने वाले हैं कर्नाटका में, तो माहौल तो वैसे ही गर्माया हुआ है। तो अभी रिसेंटली जो है वो अमूल, जो कि आपको मालूम है गुजरात कोऑपरेटिव फेडरेशन की जो एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने दोस्तों क्या किया कर्नाटका के अंदर जो कि एंट्री मार ली। अमूल दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है, ग्रे रिवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ रहा है, वर्गीज कुरियन के द्वारा सेटअप किया गया, बहुत ही खतरनाक काम है जो कि अमूल कंपनी करती है ना। तो अभी अमूल जो है वो कर्नाटका के अंदर पहले नहीं था, वहां पे चलता है लोकल नंदिनी, जैसे कि राजस्थान में सरस है, दिल्ली में मदर डेयरी है, साथ में अमूल तो हर जगह नॉर्थ इंडिया में काम करता ही है, उसी प्रकार से कर्नाटका के मार्केट के अंदर भी जो है वो अमूल पहुंच गया और वहां पे टक्कर दी। किसके द्वारा? नंदिनी के द्वारा। बहुत खतरनाक टक्कर है जो कि दी गई है। कभी आप बैंगलोर जाओगे तो नंदिनी नाम के ब्रांड के दूध है जो कि आपको मिलेंगे, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे कि अमूल काम करता है वैसे कर्नाटक के जो आपके फार्मर्स है ना, मिल्क प्रोड्यूसर्स है, वो नंदिनी के लिए काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने भी अमूल को सपोर्ट कर दिया, तो उसके बाद में कंट्रोवर्सी हो गई। अपोजिशन वालों ने बोला कि आप तो लोकल ब्रांड को यहाँ पे फ्लॉरिश नहीं कर रहे हैं और दूसरे स्टेट के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उससे यहाँ के किसानों को नुकसान हो जाएगा, दिस एंड दैट। तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि हो गई। अब क्या अमूल जो है वो नंदिनी को टक्कर दे पाएगा? और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अमूल के लिए पॉसिबल नहीं है कि अमूल जो है वो नंदिनी को बीट कर दे। अब इसका कारण क्या है? कारण है दोस्तों जो कि है प्राइस। ओके, यहाँ पे अगर आप अमूल का देखोगे, अमूल का जो प्राइस है जहां पे 52 रुपए पर लीटर आपको मिलता है, वहीं पे नंदिनी जो है ना ये आपको मात्र 39 रुपए के अंदर है, जो कि एक लीटर का दूध है जो कि अवेलेबल मिलता है। अगर मैं 3% फैट और 8.5% सॉलिड नॉट फैट SNF जिसको कहते हैं, अगर वो दूध के कंटेंट में देखा जाए, जिसको टोन मिल्क कहते हैं बेसिकली, तो प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा गैप है प्राइस के अंदर। तो इस वजह से अमूल का नंदिनी को टक्कर देना काफी मुश्किल है जो कि बताया जा रहा है। समझ गए? क्योंकि प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब अमूल इतना ज्यादा कम प्राइस है जो कि कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने किया तो फिर पूरे देश में है जो कि करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टेट भी जो है कर्नाटका का, वो भी दोस्तों सब्सिडी देती है, 3 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, गवर्नमेंट जैसे जैसे बढ़ती है उन्होंने सब्सिडी बढ़ाती गए, तो 1,200 करोड़ रुपए तो सरकार ही देती है उन किसानों को जो कि दूध सप्लाई करते हैं, है ना, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को 5-6 रुपए के आसपास जो कि देते हैं। अमूल की बात करें, 46 में फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, है ना, त्रिभुवनदास पटेल जी के द्वारा आनंद में, अभी मेहता जी है जैन भाई मेहता जो कि MD है। 52,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हैं। ओनर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन, 1,000 लोग काम करते हैं और 35-36 लाख लोग हैं जो कि इनके लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनकी सब्सिडरी है बनास डेयरी और दूध सागर डेयरी। इसी प्रकार से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की बात करें, 74 में फेडरेशन फॉर्मेशन हुआ, बैंगलोर में हेडक्वार्टर है और यहाँ के बालचंद्रा जी जो है वो प्रेसिडेंट है। ओके, कर्नाटका की गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन दोनों उसके ओनर है। आगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि है, अभी रिसेंटली क्या होता है कि हमारे आर्मी के अंदर है ना बहुत सारे कारणवश की वजह से लोग डिसेबल हो जाते हैं वॉर के अंदर। अब वॉर तो खैर होती नहीं है, लेकिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि बहुत जगह इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पे हमारे जवान डिसेबल हो जाते हैं। अब उनको भी जो है वो पेंशन मिलती है जिसको डिसेबिलिटी पेंशन है जो कि कहा जाता है। तो आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक पैनल बनाया गया है ताकि वो एग्जामिन कर सके डिसेबिलिटी की पेंशन को लेकर, है ना। जो भी 40% के आसपास आज के टाइम पे जो भी ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं ना, वो डिसेबिलिटी के साथ में हो रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है, है ना, कितना बड़ा चिंता की बात है कि हमारे जवान जो रिटायर हो रहे हैं वो डिसेबिलिटी की वजह से हो रहे हैं, सिर्फ 35-40%। तो ये कैग की रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है। तो इसीलिए दोस्तों अभी रिसेंटली जो है इसके लिए कमिटी बनाई गई है। कमिटी के जो हेड बनाए गए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं,
ठीक है, तो इंटर सर्विस पैनल है जो कि आर्मी एडजुकेंट जनरल एजी के द्वारा जो है वो चेयर किया जाएगा। नाम नहीं बताया गया किसके द्वारा हेड किया जाएगा, है ना, लेकिन ये नंबर आपको ध्यान रखना है। और नियर बाय टोटल पिछले 20 सालों में 4,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है जो कि 2022-23 तक जो है वो गई है। टोटल जो हमारा डिफेंस का पेंशन का जो बजट है 23-24 का वो 1.38 लाख करोड़ है। ठीक है गाइस, तो अनिल चौहान जी जो कि हमारे CDS है उनके द्वारा कैग की रिपोर्ट के बाद में ये कमिटी है जो कि बनाई गई है। ठीक है, चलिए, तो हमारा डिसेबिलिटी जो पेंशन है वो 4,000 करोड़ रुपए के आसपास है और 40% टोटल ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं वो डिसेबिलिटी के साथ में हो रहे हैं, जिससे काफी टेंशन की बात है, मतलब यार ये तो उसके ऊपर काम करने के लिए बोला गया है। आगे बात करते हैं रीइंकार्नेशन इन तिब्बतियन बुद्धिज्म, ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि क्या होता है दलाई लामा, है ना। दलाई लामा तो एक इनका ऑफिशियल नेम है, जो हेड होते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के उनको कहते हैं, है ना। तो अभी जो हमारे प्रेजेंट में जो दलाई लामा है दुनिया के या फिर तिब्बतियन बुद्धिज्म के, उन्होंने US के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है मंगोलियन बॉय, उसको 10th जैक्सन दंपा के तौर पे दोस्तों रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि ये वो पर्सन है जो कि दलाई लामा की नेक्स्ट प्लेस है जो कि लेंगे। ओके, तो ये ट्रेडिशन है तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर और ये बुद्धिज्म जो मंगोलिया है उसके भी हेड है जो कि बनने वाले हैं। तो किस तरीके से ये चीज होती है उसके बारे में यहां पे आर्टिकल के अंदर बताया गया है। देखो क्या होता है कि बुद्धिज्म की बहुत सारी ब्रांचेस है, कई प्रकार के बुद्धिज्म है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं उसके अंदर। ये देखो सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई थी वो इंडिया से हुई थी बुद्धिज्म की, है ना। तो यहां पे सूत्रयान बुद्धिज्म हुआ करता था जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि हम लोग बुद्धिज्म में पढ़ते हैं 500 BC के टाइम पे, है ना, हीनायन और महायान। महायान पुराने वाले, हीनायन नयन वाले। ओके, फिर बाद में जब ये इंडिया के बाहर गया तो लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से जो है वो चेंज किया, जैसे कि व्रजयान में कई सारे स्कूल है जो कि बने अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के, जैसे कि एक तो गैलुक जो है यही तिब्बतियन बुद्धिज्म है, संख्या है, कंग्यू है और निंगमाना, है ना, नेमगांव। तो ये इस तरीके के चार स्कूल और है जो कि व्रजयान में देखे जाते हैं और इस तरीके हमारे इंडिया में जो है हीनायन महायान देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि और भी धीरे धीरे जो है वो डिफ्रेंशिएट होते गए। थेरावाद बुद्धिज्म है जो कि दुनिया में दोस्तों काफी प्रचलित हुआ, जिसमें बोलते हैं विपासना मेडिटेशन टेक्निक इसी में आती है। वैसे महायान जो है बुद्धिज्म, ये भी कई सारे देशों में जापान, साउथ कोरिया, चाइना में चला गया, जहां पे जैन बुद्धिज्म बहुत फेमस है, है ना। वैसे व्रजयान मैंने बताई दिया आपको, वैसे मिसलेनियस भी है। तो दुनिया में सबसे पहले अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कूल इंडिया में बने, महायान और हीनायन, इसी में व्रजयान भी बना, और फिर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में थेरावाद बुद्धिज्म बना। ओके, वैसे ही सेंट्रल एशिया के अंदर भी जो है तिब्बतियन बुद्धिज्म का फॉर्मेशन हुआ और ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो चैन, प्योरलैंड, जेन, ये सब है जो कि देखने को मिलता है। तो जेन बुद्धिज्म आपको कहां पे, चाइना में देखने को मिलता है आज के टाइम पे। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का फॉर्मेशन हुआ और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चलता गया, है ना। थेरावाद के अंदर क्या होता है कि ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है थेरावाद में, सिर्फ ये बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो जिससे आपको एनलाइटमेंट है जो कि आपका हो जाएगा। महायान में दोस्तों बोला गया कि लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं एनलाइटमेंट के लिए, आप मुझे मदद करो मैं आपको कर सकता हूं, मॉन्क या नन बनने की जरूरत नहीं है। वैसे तिब्बतियन के अंदर जो है वो यही वाली टीचिंग है जो कि ज्यादातर शेयर करी गई है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस है अलग अलग के अंदर। तो अब तिब्बतियन बुद्धिज्म में दलाई लामा सबसे हेड होते हैं, वो क्या करते हैं जब उनकी डेथ होती है ना, उससे पहले बता देते हैं कि भाई एक वहां पर एक पर्सन है, वो एक बच्चा है जो कि अगला बनने वाला है तिब्बतियन बुद्धिज्म का हेड। तो एक जब पर्सन मरते हैं, जैसे लास्ट वाले जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो वो जिस डायरेक्शन में उनकी बॉडी रखी थी ऐसा माना जाता है, आई डोंट नो रियलिटी क्या है, वो अपने आप चेंज हो गई डायरेक्शन। तो ये माना गया कि इस डायरेक्शन के अंदर अगला जो है वो दलाई लामा उनको मिलेगा। फिर इनके जो फॉलोअर्स हैं वो सर्च करते हैं, सर्च करते करते एक बच्चे तक पहुंचते हैं, फिर बच्चों को कई सारे इंस्ट्रूमेंट देते हैं कि बताओ कि पिछले वाले दलाई लामा किन चीजों को यूज करते थे, वो बच्चा जो है उन्हीं चीजों को उठाता है जो कि पिछले वाले यूज करते हैं, फिर उससे पता लगता है कि हाँ ये अगला जो है वो दलाई लामा होगा। फिर उसको ट्रेन किया जाता है, उसको रखा जाता है, उसको पूरा समझा, टीचिंग होती है, सब कुछ होती है। इस तरीके से ट्रेडिशन है जो कि तिब्बतियन बुद्धिज्म में चलता है। ओके, जो प्रिजन वाले दलाई लामा थे वो भी इस तरीके से ही बने थे और अगले वाले जो है वो मंगोलिया के हैं जो कि US में पैदा हुआ है, उस बच्चे को जो है ये लोग ट्रेन करेंगे कुछ टाइम बाद में। अभी के जो दलाई लामा उनकी एज काफी हो गई, 85 से 88 के आसपास जो कि हो गई है। ओके, चलिए, गैलुप है ना, ट्रेडिशन कहते हैं इसको। आगे बात करते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957। रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ, एक एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके ऊपर जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है ना एक पेटिशन किसी ने लगाई थी,
तो उन्होंने उनके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाया कि भाई आपको सेल्स टैक्स से जो कि देना पड़ेगा, जो भी इनकम आप कर रहे हो एडवर्टाइजिंग से, अवार्ड शो के अंदर परफॉर्मेंस करने से, है ना, उन सब से। तो मैटर क्या हो गया, देखो कुल मिला के पूरी न्यूज़ का सारांश बताता हूँ आपको कि अगर कोई भी फाइव स्टार होटल में या कहीं पर भी अवार्ड शो हो रहा है, आईपीएल का हो रहा है, तो जो भी करवा रहा है ना और वहाँ पर जो गाने बज रहे हैं, तो रात को मान लो आपके किसी भी होटल में 10, 11 बजे, 12 बजे गाने बज रहे हैं, किसी भी मान लो हनी सिंह के गाने बज रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हनी सिंह को थोड़े पैसे हैं जो कि देने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसके गाने हैं जो कि बजा रहे हो उस होटल के अंदर, उस क्लब की पार्टी के अंदर, या फिर किसी अवार्ड शो के अंदर, किसी भी सेरेमनी के अंदर, है ना, इस तरीके से होता है। तो क्या होता है कि कोई भी आर्टिस्ट है ना, उनको कॉपीराइट एक्ट के तहत दोस्तों ये पावर होती है कि जब तक वो जिंदा है, और जिंदा से जब मरने के बाद में भी 25 साल तक जो है वो उनको इसके राइट्स की ओनरशिप है जो कि होती है। तो यहाँ पे एक अदाकारा थी, फीमेल एक्ट्रेस थी, उन्होंने अवार्ड शो में फंक्शन किया, पैसे मिले, तो किसी ने बोला कि भाई आपने टैक्स तो दिया ही नहीं। उसने कहा कि जिन लोगों ने करवाया था उन्हीं के वो गाने थे, तो मुझे किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है इस चीज में। वो प्रोड्यूसर जो थे गाने के, म्यूजिक के, उनके नहीं, जो अपने ही गाने चलाए उसी के ऊपर मैंने डांस किया। तो ये मैटर है जो कि कई बार देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी अगर कोई ऐसा आप फंक्शन करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, है ना, तो वहां पे कोई आपके क्लेम है जो कि कर सकता है और आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। तो कॉपीराइट के अंदर क्या होता है, जो आपका लिटरेचर है, ड्रामा है, म्यूजिक है, आर्टिस्ट है, उनको लाइफ टाइम का प्रोटेक्शन मिलता है, और मरने के 60 साल तक मिलता है, 25 साल नहीं है, 60 साल तक है। दो लोगों के अगर जॉइंटली बनाया किसी ने, तो जो लास्ट जो जिसकी डेथ होगी उससे ये 60 साल है जो कि काउंट होता है। ये कॉपीराइट एक्ट 1957 में बताया गया है। आगे बात करते हैं बाबू जगजीवन राम जी के बारे में। अभी रिसेंटली मोदी जी ने दोस्तों इनको ट्रिब्यूट दिया, 115वीं बर्थ एनिवर्सरी है जो कि जगजीवन राम जी, जो कि हमारे देश के दोस्तों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, बहुत ही फेमस दोस्तों पार्लियामेंटेरियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल जस्टिस के ऊपर काम किया, जो डिप्रेस क्लास है उनके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। 33 में इनके द्वारा अखिल भारतीय रविदास महासभा का कलकत्ता में फॉर्मेशन किया, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग बनाई, है ना, हामन कमीशन जो थे रांची के अंदर, ओके, तो पहली बार दलित के लिए वोटिंग का जो राइट है वो उन्हीं के द्वारा 1935 में मांगा गया था। उससे पहले तो राइट के ऊपर भी चर्चा नहीं थी कि वोटिंग के राइट भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। गांधी जी से दोस्तों बहुत इंस्पायर्ड थे, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, सारे मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कई बार जेल गए, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी ये जेल जाके आए, ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें आज के दैनिक वोकैबुलरी के बारे में। एक्सपीडाइट का मतलब होता है कि किसी भी काम को तेजी से करना। नेक्स्ट है परटर्ब, इसका मतलब है कोई भी काम जो एंशियसली करना, है ना। लैग का मतलब है कि किसी चीज को धीरे धीरे करना, लिंगर करना, रोक देना। और हेराल्ड का मतलब है कि जब कोई भी सूचना, साइन या किसी को देते हो तो उसको अपन लोग हेराल्ड कहते हैं। एग्रीमोनियस यानी कि जब आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगते हो, गुस्सा हो जाते हो, उसको हम लोग एग्रीमोनियस कहते हैं। क्लास 24 पे आपको सारे के सारे एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, आप क्लास 24 के ऊपर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, साथ में नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो जेआरएफ अड्डा। आज का पहला सवाल है जो कि लीगो को लेकर है, कल पर लास्ट मैंने आपको लीगो कराया था, ठीक है। लीगो की बात करें तो लीगो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और साइंस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सेकेंड है तमिलनाडु में इसका फॉर्मेशन किया जाएगा, बताइए कौन सा सही है। चलिए पहला वाला तो सही है, तमिलनाडु नहीं होगा, कहां पे बनाया गया था जल्दी बताओ, लीगो इंडिया, हिंगोली नाम का गांव है, डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो ये आपका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय रविदास महासभा किसके द्वारा बनाई गई, तुरंत आंसर करो बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है लीगो प्रोजेक्ट का मोटिवेशन क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके ग्रेविटेशनल वेव्स को। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से कंट्री मेंबर है, बताइए, नॉर्वे भी है और अभी फिनलैंड भी बना है, स्वीडन दोस्तों अभी वेट कर रहा है, तो स्वीडन आपका गलत हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, अभी मिलते हैं वापस से 5 मिनट के अंदर दोस्तों लर्न विद भुवनेश्वर चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग हिस्ट्री की पहली क्लास है जो कि आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।